मछली शहर लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों में से एक लोकसभा सीट है। आपको बता दें कि जौनपुर जिले में शामिल मछली शहर को तहसील का दर्जा प्राप्त है और ये शहर व्यापार के लिहाज से प्रदेश का सबसे अहम शहर है। बात अगर मछली शहर लोकसभा सीट के राजनीतिक इतिहास की करें तो इस सीट पर पहली बार चुनाव साल 1962 में हुआ, जिसमें कांग्रेस के गणपत राम ने जीत दर्ज की। वहीं 1962 से लेकर 1971 तक हुए चुनाव में कांग्रेस ने सीट पर लगातार 3 बार सीट हासिल की, लेकिन भारतीय लोकदल के राज केसर सिंह ने जीत हासिल कर कांग्रेस को रोका और फिर 1980 में हुए चुनाव में जनता पार्टी के शरण वर्मा ने अपना परचम लहराया तो 1984 में एक बार फिर कांग्रेस ने वापसी की। वहीं 1989 और 1991 में शिव शरण शर्मा ने जनता दल को लगातार 2 बार जीत दिलाई, जबकि 1996 में राम विलास वेदांती और 1998 में चिन्मयानंद भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीत कर लोकसभा पहुंचे, मगर 1999 में हुए चुनाव में सीट पर पहली बार सपा ने जीत हासिल की और सपा के चंद्रनाथ सिंह ने बीजेपी के राम विलास वेदांती को हराया। वहीं 2004 में बसपा के उमाकांत यादव ने इस सीट पर अपना कब्जा जमाया तो 2009 में समाजवादी पार्टी के तूफानी सरोज ने बसपा से 2004 में मिली हार का बदला ले लिया, लेकिन साल 2014 में मोदी लहर में यहां से भारतीय जनता पार्टी के रामचरित्र निषाद सांसद चुने गए। मछली शहर में बीजेपी ने इस बार कुछ समय पहले ही बीजेपी ज्वाइन करने वाले वीपी सरोज को टिकट दिया तो वहीं सपा बसपा गठबंधन ने टी राम को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ रही जन अधिकार पार्टी के अमरनाथ पासवान को टिकट दिया। मछली शहर लोकसभा सीट के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें मछली शहर, केराकत, मरियाहू, जाफराबाद और पिंडरा आती है, जिसमें मछली शहर, केराकत, मरियाहू और जाफराबाद जौनपुर जिले में शामिल है, जबकि पिंडरा विधानसभा सीट वाराणसी जिले में आती है। इस बार होने वाले लोकसभा चुनाव में मछली शहर में कुल मतदाताओं की संख्या 17,89,566 है। कुल मतदाताओं में पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,53,594, महिला मतदाताओं की संख्या 8,35,889 और ट्रांसजेंडर के कुल 83 मतदाता शामिल हैं। अब एक नज़र पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों पर डालें तो साल 2014 में सीट पर बीजेपी के रामचरित्र निषाद ने 4,38,210 वोटों के साथ अपना परचम लहराया था, जबकि बसपा के भोलानाथ 2,66,055 वोट के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे। वहीं सपा तूफान 1,91,387 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे। साल 2009 में हुए लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो सपा के तूफानी सरोज ने 2,23,152 वोटों के साथ जीत हासिल की थी। वहीं बसपा के कमलकांत गौतम 1,98,846 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर थे, जबकि बीजेपी के विद्यासागर सोनकर को 1,46,031 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर संतोष करना पड़ा था। वहीं साल 2004 में हुए लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो बसपा के उमाकांत यादव ने जीत हासिल की और उन्हें 2,37,438 वोट मिले। वहीं सपा के चंद्रनाथ सिंह 1,82,056 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे, जबकि बीजेपी के केशरीनाथ त्रिपाठी तीसरे स्थान पर और उन्हें 1,70,939 वोट मिले।